अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात की जाए, सो बिग बॉस का फाइनली फिनाले हम सभी देख चुके हैं. आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई. कुछ बोल रहा तो बात नहीं, आई नो आ रही है. समझ गई लड़की, समझ जा रहा है. सो तेजस्वी तो विनर और डबल इनाम मिला है उनको, विनर भी है और नागिन सिक्स भी मिला है. क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी करनी चाहिए. आई थिंक मैं प्रे करता हूँ नागिन से वो शो में रहे, करण के साथ ना नागिन बने. पर मैं उन दोनों को मिला हूँ, यू नो तेजा को भी. बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट लगते हैं एक साथ. और आई थिंक लोग कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे. पर मैटर ये करता है कि उन दोनों का क्या मानना है एक दूसरे के बारे में. यू नो दे आर हैप्पी. थोड़ी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद पूरी दुनिया हैप्पी रहती है. तो मुझे लगता है कि यार एक्चुअली वे आर इन लव. But you guys are example ना, कि अगर घर में कुछ स्टार्ट होता है तो you can even lead ahead, आप मैरिज तक बात ले जाते हो. And then why not 100%? 100% हम दोनों साथ में हैं. मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी शादी कर ले, अगले महीने ही कर ले. क्योंकि अगले इस महीने वैसे भी दो शादियां हमारे दोस्तों की, अगले महीने उसकी होगी, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर काम करेंगे अपना. He is so desperate कि करण जल्दी से मैरिड वाले ग्रुप में आए. सबको पता लगना चाहिए ना कि इस पे क्या कैसे रहते हैं. बिग बॉस में मिले और बाहर आके शादी हो गई, तो हमें एक और कपल चाहिए अपने दुख से बांटने के लिए. उनका जर्नी देखा है. देखो हम रिजल्ट के बारे में तो नहीं जानते. मेरा मैं तो मेरे को लगता है कि जितना मैं बाहर घूम रहा था तो करण सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, सबसे ज्यादा. मतलब मैं कहीं भी जाता था तो एक्चुअली ये नहीं कि वो मेरा भाई है तो लोग बोलते रहे, नहीं. क्योंकि मैं प्रतीक को भी उतना ही जानता हूँ. करण ऑब्वियसली मेरे क्लोज है क्योंकि वो मतलब तब से जब से मैं रोडीज में मैंने एज अ कंटेस्टेंट था, है ना, तो वो मेरे भाई हैं, बहुत क्लोज है मेरे. बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि मैं जहां भी जाता था तो सबसे पहले लोग मुझे बोलते रहे कि सर हम करण भाई को वोट कर रहे हैं, करण भाई को सपोर्ट कर रहे हैं. वो यू नो मैं वीडियोस बनाता था तो वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते थे कि उनको उनको उनकी जर्नी के बारे में क्या चीज अच्छी लगती सब पता होता था, है ना. तो पर जब जब यू नो फैसला आया था कि सेकंड रनर अप है, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, ठीक है ना. क्योंकि सेकंड रनर तो नहीं, मेरे को लगता है कि रिजर्व करते थे वो. क्योंकि जितना बार ट्रेंड कर रहे होते हैं लोग उससे एस्टिमेट अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं. एंड प्रतीक ने भी उतनी ही मेहनत करी है जितनी बाकी सबने करी है, और उसने अपने शो को सब कुछ दिया. और उसका बहुत पुराना ड्रीम था. मैं उसका एक शो था लव स्कूल जब मैं गया था उसके अंदर, यू नो, और उसके लिए मैं गेम बदल कर आया था, ठीक है. मुझे क्योंकि मुझे पता था कि उस लड़के में बहुत कुछ है, वो लड़का यू नो अच्छा खेलेगा. सो जब वो बिग बॉस भी आ रहा था, लास्ट ईयर भी उसका जाना था, तो मैंने उसको मैसेज किया था, तो जा रहा है बिग बॉस. कह रहा भाई अभी मैं शो कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, पर मुझे ऑफर आया था, तो मैंने कहा प्लीज जाना क्योंकि मुझे पता है कि उस वो शो तेरे लिए बना है. But you know what, Viva, he has that passion जो आपके पास you know, है. मेरे को लगता है कि वो मेरे पास नहीं, जितने भी MTV के लोग हैं ना, जितने भी MTV के होंगे, जब करण MTV का ही है, इन सब में वो जोश आपको दिखेगा ही दिखेगा. क्योंकि हम रियलिटी एक्चुअली में खेलते हैं, you know? सब कुछ दे देते हैं और हम अपने शोज में, तो फिर हमें पता है कि हमें क्या चीज ये कितना मैटर करती है. और आई थिंक बाकी सबके पास कहीं ना कहीं सब कुछ था, यू नो. प्रतीक के पास उतना कुछ नहीं था कि यू नो उसको कुछ डरना पड़े, और अब उसके पास सब कुछ है जितना बाकी उनके पास है. एक्चुअली नाउ हिज जर्नी स्टार्टेड, या अभी तो टेक ऑफ शुरू होगा यहाँ से, यू नो. सो एंड करण भाई को भी, करण भाई भी बहुत डर रहे थे जब बिग बॉस, यार मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं. मैंने कहा प्लीज जाओ, मेरे कहने पे जाओ, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और मुझे नहीं पता रहा कि उनको उनकी गर्लफ्रेंड वहीं मिल जाएगी. मैंने बोला था शादी, आई टोल्ड हिम यू नेवर नो, अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए. ही स्टार्टेड लाफिंग, नहीं यू ऐसा नहीं. मैंने कहा यू नेवर नो शो में. पर मेरे लिए हमेशा विनर मेरा भाई करण ही है. या